हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि सिंगरौली पे है, उस पर हाल में ही पेपर हुआ था मानिक सरदार का, उस पेपर के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, यह NCL के सभी पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस पे 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिस पे 70 नंबर का टेक्निकल का आएगा और 30 नंबर का नॉन टेक्निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है, पढ़ सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। ठीक है ना, भाग एक में 70 प्रश्न और भाग बी में 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, सभी के लिए समान अंक है, मतलब एक अंक रहेगा। ठीक है, इस पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों पॉइंट नंबर 8 पे लिखा है दोस्तों, यह OMR बेस्ड पे होगा। ठीक है दोस्तों, OMR बेस्ड पे होगा, मतलब ऑफलाइन होगा। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, CMR 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का घेरा कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 300 मीटर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, CMR 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का घेरा कितना होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर का घेरा होता है। ठीक है दोस्तों, 500 मीटर का घेरा होता है। ठीक है दोस्तों, CMR 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का घेरा कितना मीटर का होता है दोस्तों, 500 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों स्तंभ हटाने की क्रिया शुरू होने से पहले किसकी अनुमति लेनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 DGMS, ऑप्शन नंबर बी जिला अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण मंत्रालय। दोस्तों स्तंभ हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले DGMS से अनुमति लेनी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणघातक गंभीर चोट की सूचना फॉर्म 4A में रीजनल इंस्पेक्टर क्षेत्र निरीक्षक को खालिस्तान घंटों के भीतर भेजी जाती है। बताइए दोस्तों, प्राणघातक या गंभीर चोट की सूचना फॉर्म ए में रीजनल इंस्पेक्टर को खाली कितने घंटों के अंदर भेजी जाती है। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों 24 घंटे के अंदर भेजी जाती है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, CIL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों से इसका आंसर बनता होगा। ऑप्शन नंबर 1 है सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी कोल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल इंडिया लिमिटेड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों NCL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इससे सरल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्थ कोल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ कोल फील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आंख बंद में भी इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ड्रैग लाइन का उपयोग है। ऑप्शन नंबर 1 एक हवाई जहाज के मार्ग में, ऑप्शन नंबर बी किसी रेल मार्ग में, ऑप्शन नंबर सी एक सर्वेक्षण यंत्र में, ऑप्शन नंबर डी खुली खदान में। दोस्तों ड्रैग लाइन का उपयोग कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खुली खदान में ड्रैग लाइन का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खुली खदान की मशीन है, बताइए दोस्तों इन चारों ऑप्शन पर एक खुली खदान की मशीन कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है डोजर, ऑप्शन नंबर बी है रोड हेडर, ऑप्शन नंबर सी है बर्न साइड, ऑप्शन नंबर डी है डबल ड्रम सीजर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डोजर एक खुली खदान की मशीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक खुली खदान में प्रयुक्त नहीं होती। दोस्तों इस पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछे है खुली खदान में प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी रोड ग्रेडर, ऑप्शन नंबर सी इंडलेज हेलर, ऑप्शन नंबर डी बेल्ट कन्वेयर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इंडलेस हेलर्स को खुले खदान के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल हैंडलिंग प्लांट में खालिस्तान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 रबर बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी साइड रोलर, ऑप्शन नंबर सी कटिंग किनारा, ऑप्शन नंबर डी ड्रम। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों,
बताइए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नाइन्थ का। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कोल हैंडल प्लांट में कटिंग किनारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें प्रथम उपचार किट रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर वन ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर सी उप प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी कार्यालय अधीक्षक। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कार्यालय अधीक्षक को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड बॉक्स रखने की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रथम उपचार किट में नहीं होता। ऑप्शन नंबर वन दवाएं, ऑप्शन नंबर बी रुई, ऑप्शन नंबर सी हथौड़ा, ऑप्शन नंबर डी कैंची। बताइए दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट एड बॉक्स पे हथौड़ा नहीं रहता, आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे, हथौड़ा रहता कभी फर्स्ट एड बॉक्स पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, मानिक सरदार द्वारा खालिस्तान का निरीक्षण जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर वन डंप का, ऑप्शन नंबर बी कोलाइड का, ऑप्शन नंबर सी कैंटीन का, ऑप्शन नंबर डी है भैंस का। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मानिक सरदार द्वारा खालिस्तान का निरीक्षण जरूरी नहीं है, बताइए। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कैंटीन का परीक्षण जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिक सरदार के पास खालिस्तान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन है हैंड प्लान, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक उपचार किट, ऑप्शन नंबर सी है हेलमेट, ऑप्शन नंबर डी है माचिस। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी माचिस नहीं होना चाहिए मानिक सरदार के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, मानिक सरदार को खालिस्तान का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर वन फेस निरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी आदमी को काम पर लगाना, ऑप्शन नंबर सी आने वाले खतरे के समय आदमी हटाने, ऑप्शन नंबर डी किसी मशीन को चलाने। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मानिक सरदार को किसी भी मशीन चलाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नियमन अनुसार प्रतिदिन पानी पीने का पानी खान के कर्मी को कितना देना चाहिए। दोस्तों जो मानिक सरदार होते हैं, ठीक है, उसमें प्रतिदिन पीने का पानी खान के कर्मी को कितना देना चाहिए, बताइए उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, खान कर्मी को मुख्यतः 2 लीटर पानी देना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों द्वारा प्रयुक्त कैंप खालिस्तान लैंप होता है। ऑप्शन नंबर वन निजातया निरापद, ऑप्शन नंबर बी ज्वालारोधी, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी चिंगारी उत्पन्न करने योग्य। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निजतया निरापद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खनिजों द्वारा प्रयुक्त कैंप में लैंप कैसा होता है, निजतया निरापद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो दोस्तों, इन्फ्लुएंशियली सेफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, काम का निरीक्षक फॉर्म को वैधानिक रूप से भरते हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। काम का निरीक्षक मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल्ड फॉर्म दिस फॉर्म सिल्टरबिलिटी संवैधानिक रूप से भरता। ऑप्शन नंबर वन फॉर्म ए, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म बी, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म ओ, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म यू। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म यू को वैधानिक रूप से भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, खुली खदान शुरू करने के लिए कौन सा कार्य सबसे कठिन हो। तो ऑप्शन नंबर वन भूमि अधिहरण एवं पुनर्वास, ऑप्शन नंबर बी जनशक्ति की बहाली, ऑप्शन नंबर सी हरित पट्टी का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी चुनाव का ग्राहक का चुनाव। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए, खुली खदान शुरू करने के लिए कौन सा कार्य सबसे कठिन होता है। और उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर वन भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोफ का संबंध किस मानिक प्रणाली से, बताइए दोस्तों गोफ का संबंध किस मानिक प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर वन खुली खदान के कार्य, ऑप्शन नंबर बी भूमिगत खदान का डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी भूमिगत खदान का डिप्लोरिपिंग, ऑप्शन नंबर डी तेल का कुआं। बताइए दोस्तों गोप का संबंध किस मानिक प्रणाली से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, भूमिगत खदान की ड्रिप लोडिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, यह खुली खदान मशीन नहीं है। दोस्तों इस पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी खुली खदान मशीन नहीं है। ऑप्शन नंबर वन क्रेन, ऑप्शन नंबर बी टायर हैंडलर, ऑप्शन नंबर सी SDL, ऑप्शन नंबर डी फोर्क लिफ्टर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एक खुली खदान मशीन नहीं है, बताइए इसमें कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी
SDL एक खुले खदान मशीन नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन के लिए SOP का फुल फॉर्म क्या है? और बताए दोस्तों खनन के लिए SOP का फुल फॉर्म क्या रहेगा? शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर ऑप्शन नंबर बी, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्लेस ऑप्शन नंबर डी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस। और इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? 21वें का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ओ SOP का फुल फॉर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के खतरे का प्लान कौन बनाता है? बताइए दोस्तों पानी के खतरे का प्लान कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर वन, असैनिक अभिनेता। ऑप्शन नंबर बी, माइनिंग सुपरवाइजर। ऑप्शन नंबर सी, खान सर्वेयर। ऑप्शन नंबर डी, असैनिक सर्वेयर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए? पानी के खतरे का प्लान खान सर्वेयर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयला निर्माण निम्न में से कौन से क्रम में होता है? बताइए दोस्तों कोयला निर्माण निम्न में से किस क्रम में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिए। कोयला निर्माण किस क्रम में होता है दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर बी, पहले पीट होता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों इसका आंसर। पीट, भूरा कोयला, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट कोयले का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, कोयले का निर्माण पीट, भूरा कोयला, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट के रूप में होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरूपण कारक या RF किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर वन, खान संवातक। ऑप्शन नंबर बी, खान प्लान। ऑप्शन नंबर सी, खान वायु प्रति पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी, खान जल निकासी। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खान प्लान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, RF किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? खान प्लान से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यह खान अधिनियम के तहत एक खदान नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन से खान अधिनियम के तहत एक खदान नहीं है? ऑप्शन नंबर वन CHP, ऑप्शन नंबर बी OB बेंच, ऑप्शन नंबर सी पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर डी मैन सेम्प। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर सी, पावर प्लांट खान अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नानुसार कौन सा कैंपिटेड पर्सन नहीं है? ऑप्शन नंबर वन HEMM ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर वन डी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रीशियन। ऑप्शन नंबर सी मानिक सदर। ऑप्शन नंबर डी डाटा एंट्री क्लर्क। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कैंपिटेड पर्सन नहीं है, डाटा एंट्री क्लर्क, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया कोल माइंस रेगुलेशन कब से प्रभावी हुआ? बताइए दोस्तों नया कोल माइन रेगुलेशन कब से प्रतिपादित हुआ? ऑप्शन नंबर वन मार्च 2017 से, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर डी 2018 से। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नवंबर 2017 से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। निम्न में से कौन सा खदान नहीं है? ऑप्शन नंबर वन ड्रग लाइन का फेस। ऑप्शन नंबर बी कोयले का रिसीविंग हॉपर। ऑप्शन नंबर सी डंपर कोलाइड। ऑप्शन नंबर सी ग्राहक का कोलाइड। और इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक कोलाइड एक खदान नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने इस वीडियो पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वह HEMM ऑपरेटर के सभी ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के कामगारों को PME किस अंतराल पर होता है? बताइए दोस्तों 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र का PME कितने किस अंतराल पे होता है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 3 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 साल का होता है। जो 45 साल से ज़्यादा उम्र का होते हैं उनका PME कितने साल का होता है दोस्तों? 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। रिफ्रेशर ट्रेनिंग कामगारों का अंतराल कितने वर्षों को होता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग कामगारों का अंतराल कितने वर्षों का होता है दोस्तों बताइए? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 5 साल का होता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग कामगारों का अंतराल कितने होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। IME कब होता है? बताइए दोस्तों IME कब होता है?
ऑप्शन नंबर वन जब 18 वर्ष की उम्र हो, ऑप्शन नंबर बी ज्वाइन करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी ज्वाइन करने से पहले, ऑप्शन नंबर डी जब कोई चोट या बीमारी हो। बताइए दोस्तों IME कब होता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन करने से पहले IME होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर किसके लिए प्रयुक्त होता है, बताइए दोस्तों स्ट्रक्चर किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर वन सामान ढोने, ऑप्शन नंबर बी बीमार ढोने, ऑप्शन नंबर सी कोयला ढोने, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी। और 32वां का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बीमार ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। खदान में एम्बुलेंस कहाँ खड़ी रहनी चाहिए, ऑप्शन नंबर वन सुरक्षा पोस्ट पर, ऑप्शन नंबर बी अग्निशमक केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपचार के पास, ऑप्शन नंबर डी सब स्टेशन पर। बताइए दोस्तों खदान में एम्बुलेंस कहाँ खड़ी होनी चाहिए, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्राथमिक उपचार कक्ष के पास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। फायर टेंडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दोस्तों फायर टेंडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन आग ढोने हेतु, ऑप्शन नंबर बी बारूद ढोने हेतु, ऑप्शन नंबर सी अग्निशमक कार्य हेतु, ऑप्शन नंबर डी पीने का पानी लाने हेतु। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अग्निशमक कार्य हेतु फायर टेंडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक सुरक्षा उपकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर वन हेलमेट, ऑप्शन नंबर बी माइनिंग जूता, ऑप्शन नंबर सी कोट, ऑप्शन नंबर डी मास्क। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कोट एक सुरक्षा का उपकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह डंपर का ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर वन रिटायर्ड, ऑप्शन नंबर बी पार्किंग ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी सर्विस ब्रेक, ऑप्शन नंबर डी गुटका। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, गुटका डंपर का ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं गुटका फायरिंग डंपर का मुख्य वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यह एक खुली खदान में प्रयुक्त शब्द नहीं, ऑप्शन नंबर वन बेंच, ऑप्शन नंबर बी हाल रोड, ऑप्शन नंबर सी बार्म, ऑप्शन नंबर डी टेक ऑफ। बताइए तो खुली खदान में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, टेक ऑफ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, टेक ऑफ शब्द का यूज खुली खदान में नहीं प्रयुक्त किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमिगत खानों में नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर वन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है, भूमिगत खानों में नहीं पाई जाती है, कौन सी गैस भूमिगत खानों में नहीं पाई जाती है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई सी गैस नहीं पाई जाती, ठीक है, ऊपर का कोई नहीं इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से दोस्तों, निम्न में से कौन सा भूमिगत खानों में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। यह कोयला परिवहन में प्रयुक्त नहीं है, होते हैं, बताइए दोस्तों कोयला परिवहन में प्रयुक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर वन पानी का जहाज, ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर सी रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी नाव। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हवाई जहाज में कोयला परिवहन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। एक कर्मचारी के पास खाली स्थान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन पहचान पत्र, ऑप्शन नंबर बी माचिस, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा गैजेट, ऑप्शन नंबर डी ड्राइविंग लाइसेंस। और इसका आंसर क्या होते हैं दोस्तों, आप सभी से बन जाएगा, माचिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन उसे पाठ पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी उसे प्रशिक्षण दे उसे, ऑप्शन नंबर डी घर भेजना चाहिए। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, घबराने की दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोल इंडिया की कितनी बुनियादी अनुसंगी कंपनियाँ हैं, बताइए दोस्तों कोल इंडिया की कितनी बेनिफिट सब्सिडी कंपनियाँ, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर वन 10, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। बताइए दोस्तों हाउ मैनी सब्सिडीज कोल इंडिया लिमिटेड, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 सब्सिडीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। बॉर्डन किसके बीच की दूरी है, बताइए दोस्तों बॉर्डन किसके बीच की दूरी है, ऑप्शन नंबर वन 2 होल्स, ऑप्शन नंबर बी 2 रोज, ऑप्शन नंबर सी पहली पंक्ति
बेंच का एच किनारा ऑफ नंबर डी पहली पंक्ति व आखिरी पंक्ति। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है, बॉर्डन किसके बीच की दूरी है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पहली व अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी है। ठीक है, पहली पंक्ति व एवं बेंच का एच किनारा है, पहली पंक्ति और बेंच का एच किनारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्लास्टिंग के कार्य कुशलता के लिए क्या निकालते हैं, बताइए दोस्तों ब्लास्टिंग के कार्य कुशलता के लिए क्या निकालते हैं। ऑप्शन नंबर वन स्ट्रिपिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर बी पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी पाउडर फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी स्पेस फैक्टर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाउडर फैक्टर निकालते हैं, ब्लास्टिंग के कार्य कुशलता के लिए पाउडर फैक्टर निकालते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोक्सीमेटिंग वार्मिंग क्यों लगाते हैं, ऑप्शन नंबर वन कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी लोड फैक्टर बढ़ाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा बढ़ाने हेतु, ऑप्शन नंबर डी संचार सुधारने हेतु। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों प्रोक्सिंग वार्निंग क्यों लगाते हैं, बताइए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुरक्षा बढ़ाने हेतु प्रोक्सी वार्निंग लगाई जाती है। ठीक है, सुरक्षा बढ़ाने हेतु प्रोक्सी वार्निंग लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। एक वयस्क व्यक्ति जो खालिस्तान की उम्र पार कर लेते, बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, और इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर वन बीसवां, ऑप्शन नंबर सी अठारहवां, ऑप्शन नंबर सी इक्कीसवां, ऑप्शन नंबर डी उन्नीसवां। दोस्तों कोई भी वयस्क होगा वो 18 साल की ऊपर की आयु का होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते दोस्तों। बारूद वाहन करने वाली गाड़ी की गति कितने किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी 20-25 किलोमीटर की घंटा, ऑप्शन नंबर सी 15-25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी 30-25 प्रति किलोमीटर की घंटा। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वन 25 किलोमीटर से अधिक बारूद वाहन की चाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की आग में किस तरह का अग्निशमक यंत्र प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर वन ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर बी पानी वाली, ऑप्शन नंबर सी फोम वाली, ऑप्शन नंबर डी CO2 गैस वाली। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी CO2 गैस वाली अग्निशमक यंत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, CO2 का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। हाल रोड का ढाल कितना होना चाहिए, बताइए दोस्तों हाल रोड का ढाल कितना होना चाहिए, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन नंबर वन 1:10, ऑप्शन नंबर बी 1:12, ऑप्शन नंबर सी 1:16, ऑप्शन नंबर डी 1:20। दोस्तों हाल रोड का ढाल कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 1:16 ढाल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। खदान में किस रोड पर अधिकतम ढाल कितने रखते हैं, खदान में किस रोड पर अधिकतम ढाल कितना रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन 1:7, ऑप्शन नंबर बी 1:8, ऑप्शन नंबर सी 1:10, ऑप्शन नंबर डी 1:12। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों 1:10 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कामकार निरीक्षक की नियुक्ति खालिस्तान रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के सहयोग से करते हैं, बताइए दोस्तों कामकार निरीक्षक की नियुक्ति खालिस्तान रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के सहयोग से करते हैं, ऑप्शन नंबर वन DGMS, ऑप्शन नंबर बी खान प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी मालिक अभिकर्ताओं, ऑप्शन नंबर डी फोरमैन। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खान प्रबंधक यूनियन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है DGMS किसके अधीन है, बताइए दोस्तों उसका आंसर क्या रहेगा DGMS किसके अधीन है, ऑप्शन नंबर वन कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी कानून मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी श्रम मंत्रालय। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों DGMS श्रम मंत्रालय से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रिलिंग के डस्ट बनाना कम किया जा सकता है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वन बहुत ही वेट के साथ, ऑप्शन नंबर बी अधिक स्पीड के साथ, ऑप्शन नंबर सी कम स्पीड के साथ, ऑप्शन नंबर सी डी तेज वेट के साथ। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों 53 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तेज वेट के साथ डस्ट बनाना कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ड्रिलिंग के डस्ट बनाना तेज वेट के साथ कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर वन कोयला CM के नीचे, ऑप्शन नंबर बी कोयला CM के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी सबसे ऊपर का कवर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सबसे ऊपर का कवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों।
ए भी ए कहाँ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर वन बेल्ट कन्वेयर, ऑप्शन नंबर बी खदान में चलने वाली गाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी क्रेशर में, ऑप्शन नंबर डी रेस्ट शेल्टर में। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए भी ए कहाँ प्रयुक्त होता है बताइए। बचपन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खदानों में चलने वाली गाड़ियों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों? 2016 की राज महल खदाना हादसा का क्या कारण है बताइए दोस्तों? 2016 की राज महल खान हादसा का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर वन ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी आग, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी सटा फ्लेयर। बताइए दोस्तों, सन 2016 पे राजमहल खान हादसा किसके कारण हुआ था बताइए? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सतह का फ्लेयर के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सतह के फ्लेयर के कारण राजमहल खान हादसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गारलैंड नाला क्या है? ऑप्शन नंबर वन पानी के बहाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी गंदगी बहाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी एक गड्ढा, ऑप्शन नंबर डी एक बांध। और इसका आंसर क्या रहेगा बताइए दोस्तों? और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पानी बहाव के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या हमें डस्ट से बचाता है? ऑप्शन नंबर वन ईयर माफ, ऑप्शन नंबर बी गूगल, ऑप्शन नंबर सी मास्क, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मास्क हमें डस्ट से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मानिक सरदार की परीक्षा के लिए कम से कम कहाँ तक की पढ़ाई जरूरी है? ऑप्शन नंबर वन सातवीं, ऑप्शन नंबर बी दसवीं, ऑप्शन नंबर सी ग्रेजुएट, ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट। बताइए दोस्तों, मानिक सरदार बनने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, मानिक सरदार की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की लंबाई कितनी होनी चाहिए बताइए दोस्तों? मानिक सरदार की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की लंबाई कितनी होनी चाहिए बताइए? ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी, ऑप्शन नंबर वन 5 फीट, ऑप्शन नंबर 6 बी 6 फीट, ऑप्शन नंबर सी 5.5 फीट, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी। ठीक है दोस्तों, मतलब जिन लोगों की इतनी हाइट होती है उन सभी को मानिक सरदार के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिंग छड़ी का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर वन आदमी को पीटने में, ऑप्शन नंबर टू चांदनी व दीवार टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी चाल रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर बी चांदनी व दीवार टेस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान रक्तचाप कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन 50-90, ऑप्शन नंबर बी 70-110, ऑप्शन नंबर सी 100-140, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 70-110 समान रक्तचाप होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लू लगने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर वन नदी में स्नान करने, ऑप्शन नंबर बी तेज गर्मी के कारण, ऑप्शन नंबर सी चिलचिलाती ठंड के कारण, ऑप्शन नंबर डी ऊपर का सभी। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लू लगने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी तेज गर्मी इज द राइट आंसर कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों, बार में की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर वन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी पहिए के व्यास के समान, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी वाहन की ऊंचाई। और बार में की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पहिए के व्यास के समान होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो पे HEMM ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और चाहे ड्रग लाइन ऑपरेटर हो, सभी पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 65, खदान में महिलाएं कार्य कर सकती हैं? ऑप्शन नंबर वन 7 PM से 6 AM, ऑप्शन नंबर बी 6 AM से 7 PM, ऑप्शन नंबर सी केवल ब्रेक के समय, ऑप्शन नंबर डी 10 AM से 5 PM तक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 6 AM से 7 PM तक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेनानिवृत्ति का उम्र कामकारों के लिए होता है बताइए दोस्तों? सेनानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट एज ऑफ वर्कमैन इज, ऑप्शन नंबर वन 58 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी खदान में कुल कितने वैधानिक प्रबंधक नियुक्त रहते हैं? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी केवल एक वैधानिक पदस्थ पर नियुक्त रहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा खदान के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 प्रबंधक, ऑप्शन नंबर 2 अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर 3 मालिक, ऑप्शन नंबर 3 सर्किल ऑफिसर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सर्किल ऑफिसर एक सक्षम अधिकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। सर्वेक्षक को खदान में क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एक माइन प्लान बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर 2 एक माइन प्लान अपडेट करते रहने हेतु, ऑप्शन नंबर 3 रोज का रूटीन सर्वेक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर 3 ऊपर का सभी। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेकंड लास्ट है। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। ये जितने भी होते हैं वो सभी सर्वेक्षण खदान के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में कोयले का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 खाना बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 तेल निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 बिजली उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 खेती के कार्य करने के लिए। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कोयले का मुख्य उपयोग भारत में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब सेक्शन बी आ गए, ठीक है दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर करंट अफेयर भी रहेगा, मैथ के क्वेश्चन भी रहेंगे, इसमें 30 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सेक्शन बी की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन बी पे पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? बताइए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर 1 है मोंटगोमरी, ऑप्शन नंबर 2 फेयरफैंक्स, ऑप्शन नंबर 3 जेनेट गेरेनर, ऑप्शन नंबर 3 चार्ली चैम्पलिन। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, जेनेट गेरेनर को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जेनेट गेरेनर को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, नोबल पुरस्कार किस देश से प्रदान किया जाता है? बताइए दोस्तों, नोबल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोग से बनता होगा इसका आंसर। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 है स्वीडन, ऑप्शन नंबर 3 है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है अमेरिका। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नोबल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च रत्न सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर 2 है कालिदास सम्मान, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3 है सरस्वती सम्मान। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? बताइए। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार इज द राइट आंसर। साहित्य के क्षेत्र पे ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नो टोबैको डे खालिस्तान पर मनाते हैं? ठीक है दोस्तों, बताइए नो टोबैको डे खालिस्तान डेट पर मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 30 जून, ऑप्शन नंबर 2 है 31 मई, ऑप्शन नंबर 3 है 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 है 31 सितंबर। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोग से इसका आंसर बनता होगा। बताइए इसका आंसर क्या है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 7 जून, ऑप्शन नंबर 2 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर 3 28 जुलाई। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? बताइए दोस्तों, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? ऑप्शन नंबर 1 1974 पे, ऑप्शन नंबर 2 1975 पे, ऑप्शन नंबर 3 1976 में, ऑप्शन नंबर 3 1971 पे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? सन 1975 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा दोस्तों? राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाईकैचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 2 न्यू ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय हरित जनजाति। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बताइए। और 8 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर 2 जे आर डी टाटा, ऑप्शन नंबर 3
जी डी बिरला, ऑप्शन नंबर सी पटाभी से तन्मैया। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वरैया ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है दोस्तों। यदि भारत की सबसे बड़ी नदी बोलता तो उसका आंसर क्या रहता है, ब्रह्मपुत्र रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर वन बरगद, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी है मैंगो। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ऑप्शन नंबर वन बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है, ऑप्शन नंबर वन भारत, ऑप्शन नंबर बी बहरीन, ऑप्शन नंबर सी कांगो गणराज, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। बताइए दोस्तों 15 अगस्त के अलावा कौन, 15 अगस्त के को छोड़कर, ठीक है 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्र दिवस के सिवाय है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार 15 अगस्त को छोड़कर अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है, थॉमस कप से कौन सा खेल संबंधित है दोस्तों, बताइए ऑप्शन नंबर वन है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल। बताइए दोस्तों थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोग से बनता होगा इसका आंसर, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर वन क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर वन पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी मंगल। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, बिहू कौन से राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर वन मेघालय, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बिहू असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है, ऑप्शन नंबर वन गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी हिमसागर एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी नौ युग एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बारिश होती है, ऑप्शन नंबर वन मेघालय, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे अधिक बारिश कौन से राज्य में होती है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइए दोस्तों हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर वन 78, ऑप्शन नंबर बी 77, ऑप्शन नंबर सी 79, ऑप्शन नंबर डी 76। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 79 इज द राइट आंसर, ठीक है। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित करता है, ऑप्शन नंबर वन है चीन, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है रूस। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन रूस में होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 12,500 की राशि 4 वर्षों में 15,500 हो गई, तो इसका रेट कितना था, बताइए दोस्तों ब्याज की दर कितनी थी, ठीक है। और इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन दिया है 12,500, ठीक है। और मिश्रधन कितना दिया है दोस्तों, 15,500, ठीक है। और ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्तों, ब्याज निकालने के लिए हमेशा क्या सूत्र रहता है दोस्तों, मिश्रधन माइनस मूलधन,
ठीक है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितने है दोस्तों, मिश्रधन 15,500 और मूलधन कितना है दोस्तों 12,500, ठीक है 12,500 है। इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3,000 रुपये ब्याज आ जाएगी, ठीक है। अब ब्याज आ गई, ठीक है, ब्याज कितनी है दोस्तों 3,000 रुपये अपनी ब्याज है, ठीक है, ये अपनी ब्याज है। ठीक है दोस्तों, अपने को क्या निकालना है, दर निकालना है, ब्याज की दर। तो क्या रहता है दोस्तों, ब्याज दर का सूत्र क्या रहता है, ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते समय, मूलधन गुणते समय। समय दिया है अपने दोस्तों, समय कितना दिया है दोस्तों 4 वर्ष दिया है, और ब्याज हमें कितना निकालते हैं दोस्तों 3,000 निकालते हैं। ब्याज कितना है दोस्तों 3,000 और 100 इंटू समय कितना है दोस्तों, समय है 4 वर्ष और मूलधन कितना है दोस्तों 12,500। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कैसे कितना आएगा आंसर बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 एकम 4 एकम 4, 25 चौकों 100 आ गए दोस्तों ये, ठीक है, 25 एकम 25, 25 5 105 और 5 एकम 5, 5 6 30 कितना रेट आएगा दोस्तों 6% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, एक दशक मतलब 10 वर्षों में एक शहर की आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि कितनी है दोस्तों। 10 वर्षों में कितनी हो गई जनसंख्या, 10 वर्षों में जनसंख्या का अंतर देख लेते हैं। 10 वर्ष में 1,75,000 से 2,62,000 हो गई, तो 2,62,000 से 2,62,500 से 1,75,000 इसको घटा देते हैं, तो इसको घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 87,500 आ जाएगा, ठीक है। ये कितने वर्षों में आता है दोस्तों, 10 वर्षों में आता है। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए दोनों का अंतर रहता है, दोनों के अंतर में जो फर्स्ट संख्या रहती है, फर्स्ट संख्या कितनी है दोस्तों, फर्स्ट आबादी कितनी थी 1,75,000, और इसमें हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए सौ का गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो इन सबको इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा, 10 वर्ष में 50% बढ़ी आबादी। तो एक साल में कितने परसेंट आबादी बढ़ेगी दोस्तों, 50% में 10% का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5% एक साल में आबादी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 2 बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे जिसमें उसने से 60% बेच दिया और अभी भी उसके पास 420 सेब है, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक फलों की एक टोकरी है, ठीक है, टोटल सेब अपने मान लेते हैं दोस्तों 100 सेब हैं, ठीक है, इसमें से 40% बिक गए, ठीक है 40% सेब बिक गए, 40% बिक गए और 60% अभी बाकी हैं, ठीक है 40% तो बिक गए, तो इसकी कोई बात ही नहीं करना है। अभी कितने बचे दोस्तों, 60% सेब अपने बचे हैं, तो 60% की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी है 60%, ठीक है, परसेंट मतलब दोस्तों 100 और 100 इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 420। इसको सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है 1 0 से 1 0 कट गया और 6 एकम 6 4 7 4 7 42 6 7 42, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, मूल रूप से कितने सेव थे, 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 700 टोटल सेव थे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों, जैसे कि अपने एक फालों की एक टोकरी है, ठीक है, इसमें से 40% बिक गया, 40% बिक गए और 60% तो अभी है ना, 60% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है दोस्तों 420 है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 60% अपने को दिया है, ठीक है 60% अपने दिया ना, 60% बराबर 420 के बराबर है, इसको हल करना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6 6 7 42, तो ठीक है 6 7 42, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 1/100 बराबर 7, 13 गुणा करा दो दोस्तों, यहाँ कितना आएगा दोस्तों 700 टोटल आंसर, ठीक है। तो टोकरी में मूल रूप से 700 सेव थे। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसका बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंशुलनीय समीकरण के लिए उपयुक्त है, बताइए दोस्तों। इन सभी में एक समीकरण डी है, इसका कैसे पता लगाएं कि वह अंशुलनीय समीकरण है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, और इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 756 अंशुलनीय समीकरण के लिए उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विशेष कोड में नोएडा को 3,9,6,5,8 लिखा जाता है, तो उसी कोड में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे
घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों 610568। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे की ऊंचाई, ठीक है, एक पौधे की ऊंचाई का 1/80 हिस्सा बढ़ता है। दोस्तों क्वेश्चन पे बोला है एक पौधे की ऊंचाई हर साल अपनी ऊंचाई का 1/8 हिस्सा बढ़ता है। यदि वर्तमान में ऊंचाई 64 हो तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन में बोला है अभी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है दोस्तों, प्रेजेंट में ऊंचाई उसकी है 64 है। ठीक है दोस्तों, हर साल कितना बढ़ता है दोस्तों, हर साल बढ़ता है 1/8, तो इसमें कितने साल हर साल बढ़ता है, तो हर साल कितना बढ़ेगा दोस्तों, 64 तो रहेगा ही दोस्तों, हर साल बढ़ता है यानी कि 64/1/8, यहाँ कितना आ जाएगा 64 एकम 8 एकम 8, 8 नहीं है 64, तो 64+8 कितना हो गया दोस्तों, 72 हो गया। ये फर्स्ट साल में कितना बढ़ा दोस्तों, 72 बढ़ा ना फर्स्ट साल पे, 64 और 8 मिलकर 72 हो गए। और एक साल बाद फिर से कितना होगा दोस्तों, ये तो फर्स्ट साल में बढ़ा, ठीक है, और 2 साल में कितना बढ़ेगा दोस्तों, 2 साल बाद कितना बढ़ेगा, 2 साल बाद फर्स्ट साल में कितना बढ़ा दोस्तों, 72, ठीक है, और 72 में फिर से 1/8 का भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 8 एकम 8 8 9 72, तो 72 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, 72 में जब 9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 81, ठीक है, 2 वर्षों बाद उसकी ऊंचाई 81 होगी। फर्स्ट वर्ष में कितनी आई थी दोस्तों, 74 आई थी, ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। यदि 7 भिन्न क्रमिकों का औसत 20 है तो निम्नलिखित में से 7 भिन्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, 7 भिन्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 23 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। किसी संख्या में से 15 की कटौती करने के बाद केवल 80 रह जाता है तो उसका संख्या का 40% कितना होगा। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कोई संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये अपनी संख्या है, इसमें 15% की कटौती कर ली, ये कटौती कर ली 15%, ठीक है, तो ये संख्या कितने पर रहता है दोस्तों, 80% ये रहता है, ठीक है, 80% बोला मतलब 100 लगा दिया, ठीक है, इसको सब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू जब इस पर पुट कर देंगे उसका 40% निकालेंगे दोस्तों तो 30 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सबसे कम है, बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सबसे कम है, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3/41 बहुत सबसे कम मूल्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। दोस्तों यह वीडियो हमारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप चाहते हैं कि और भी वीडियो मैं बनाऊं रीजनिंग मैथ के लिए, तो उस कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।